जहां एक तरफ देश में लगा 21 दिन का लॉकडाउन लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वहीं इस लॉकडाउन ने बेजुबान जानवरों की मुश्किलें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी हैं। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया तो बेजुबान जानवरों को भूख सताने लगी। जो जानवर आने जाने वाले राहगीरों पर निर्भर रहते थे, वो अब सड़कों पर भूख से बेचैन नजर आ रही हैं और भूख की वजह से इधर उधर नाले फिर रही हैं। ऐसे में कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं और सड़कों पर घूम रहे इन बेजुबान जानवरों को पेट भरने में लगी हैं। ऐसा ही एक नजारा पटना में देखने को मिला, जहां एक संस्था ने आगे आकर पटना में सड़कों पर घूम रहे भूखे जानवरों को खाना खिलाया और उनकी भूख शांत करने की कोशिश की। एनिमल्स बिहार चैप्टर जो है वो पटना जिले में एक ये अवेयरनेस ड्राइव कर रहा है। कोरोना वायरस है और सारे होटल और रेस्टोरेंट सब बंद है, और जो स्ट्रीट में जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, जानवर हैं, गाय है, वो लोग अभी भूखे मर रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद है, कहीं कोई खाना मिल नहीं रहा है और लोग कम से कम खाना पका रहे हैं और कूड़े में भी उनको कुछ खाना मिल नहीं रहा है। तो ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि सो दैट कि अभी लोग जाने और लोग एक एक कम से अपने अपने घर से दो दो रोटी भी बना के लेके जाएंगे तो ये जानवर जो सड़क पे है भूखे। बता दें कि कोरोना वायरस ने इस कदर चपेट में ले लिया है कि भारत समेत कई देश लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जानवरों से प्यार करने वाले बहुत से लोग आगे आकर अपने अपने स्तर पर भूखे जानवरों के लिए खाना पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन में कोई जानवर भूखा प्यासा न मरे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।